हेलो हेलो yes, आवाज आ रही है सभी को यस yes, सर okay. अभी मैंने एक पीडीएफ फाइल शेयर की है ये ये नोट ये नोट शेयर किया है दिख रहा है सभी को ये सर्जिकली yes, ठीक है तो देखिए लास्ट टाइम हम लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था ठीक है जिसमें हम लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जिसको हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट भी कहते हैं उसके बाद सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट जिसको हम लोग आ, सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं ठीक है इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट के बारे में ठीक है स्फ़ेरिकल और सिलेंड्रिकल को हम लोग कार्टेसियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये भी हमने देखा था ठीक है मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के टर्म में अगर हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करना है और स्फ़ेरिकल को रिप्रेजेंट करना तो हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था ये हमने देखा था ठीक है उसके बाद कैसे क्या रिप्रेजेंटेशन हमने किया था क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया था वो मैं बता देता हूँ एक्स वाई जेड कॉर्डिनेट्स हमारे होते हैं कार रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में जिनको हमको कार्टेशियन भी बोलते हैं ठीक है इसके बाद आपका जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है उसमें आपके जो कोऑर्डिनेट पॉइंट uh, uh, होते हैं वो आपके अ रो थीटा रो फाइजेड होते हैं ठीक है जिसमें रेंज जो होती है रो की वो जीरो से इनफाइनाइट लाई करती है की रेंज जीरो से टू बाई लाई करती है और जेड की रेंज माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट टू करती है क्लियर इसके बाद अगर हम बात करें स्फेरिकल uh, करेंडिनेट की तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हमारे तीन पॉइंट थे आर थीटा एंड फाइव क्लियर आर जो है अगेन आर की अगर हम बात करें तो आर इज द रेडियल एक्सिस थीटा क्या है थीटा हमारा पोलर uh, एंगल है ठीक है एंड फाइव इज द एजीमुथल एंगल क्लियर इन तीनों की भी रेंज होती है जैसा कि आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूं ये देखिए आपको दिख रहा होगा आर की रेंज है जीरो जीरो की रेंज है टू पाई और की रेंज जीरो से इज इट क्लियर दिख रहा है सभी को ये यस ओके सो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया था और आज हम क्या करेंगे ये पहले मैं बता दे रहा हूं जिससे आपको थोड़ी आइडिया लग जाएगी लास्ट टाइम हम लोगों ने ये जो आपको डायग्राम दिख रहा होगा ठीक है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हमने ये डायग्राम लास्ट टाइम आपको बताया था ठीक है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं जिनमें हमने रो फाई और जेड को भी मेंशन किया हुआ है रो फाई जेड सिलेंडिकल कोऑर्डिनेट पॉइंट है एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पॉइंट ठीक है एक पॉइंट ये पी लिया था जिसपे हमने इस पी पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट्स रो जेड को फाइंड किया है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड ये हमने बताया था कैसे हमने कंपोनेंट्स को ब्रेक किया है ये आपका फाइव एंगल है ठीक है ये आपका रो है बेसिकली ये रो है जिसको हम लोगों ने इस पी पॉइंट से यहाँ प्रोजेक्शन गिरा के और इस पॉइंट से मीट कराया है ठीक है क्लियर अब हमें बात करनी है हमने फिर ये निकाला था आपका आपको याद होगा एक्स की वैल्यू रो कॉस फाइव वाई की वैल्यू रो साइन फाइव जेड की वैल्यू जेड के, के बराबर ही था क्योंकि तो जेड हमारा जेड कोऑर्डिनेट में ही लाई कर रहा है ठीक है रो हमने फिर फाइंड किया तो रो हमारा आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये कैसे निकाला था एक्स और वाई कंपोनेंट्स को स्क्वायर किया था और लेफ्ट साइड में और राइट right साइड में और उसके बाद एड कर दिया था ठीक है तो कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव वन हो गया तो, तो रो रोज स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सो रो इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है फाइ हमने कैसे निकाला था ये जो वाई और एक्स कंपोनेंट है इसको हमने डिवाइड किया था इज इट क्लियर

सर, yes, ओके okay. इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एक मिनट जस्ट वेट ओके इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो नेक्स्ट हमारा फेज है जो हमें क्या कैलकुलेट करना है अब हम लोग क्या करेंगे एक वेक्टर का वेक्टर कंपोनेंट फाइंड करेंगे जैसे मान लीजिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट या मैं अगर हम कोई वेक्टर ए लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे ए ए वेक्टर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स देखिए आप मैं दिखा देता एक्चुअली अब हम लोग क्या करेंगे इस वेक्टर पॉइंट्स को निकालेंगे जैसे हमारे वैक्टर कंपोनेंट कौन कौन से हैं ए एक्स ए वाई और ए जेड ठीक है जो पहले हम लोगों ने फाइंड किया था वो सिंपली एक्स वाई जेड को रो फाइव जेड में कन्वर्ट किया था ठीक है लेकिन अगर आपको कंपोनेंट पॉइंट निकाल लें मान लीजिए एक वेक्टर आपको गिवन है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में ठीक है और आपसे पूछा जाए कि जैसे कोई एक वेक्टर गिवन है किसी कोऑर्डिनेट में आपसे पूछा जाए इसको दूसरे कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म करिए ठीक है थीके? ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है और मोस्ट टाइम पूछा जाता है ठीक है तो कन्वर्जन आपको कैसे करना है उसके लिए आपको मैं डेरिवेशन एक कराऊंगा जिसके थ्रू आपको आइडिया लगेगी हाउ वी गेट कैन कन्वर्ट वेक्टर इन एनी क्वारिनेट टू एनी अदर क्लियर उसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा जो भी वेक्टर के रिलिवेंट कंपोनेट होंगे कौन -कौन से होंगे जैसे आप देख सकते हैं किसका किस कॉर्डिनेट किस को रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपली कार्डेशियन या रेक्टेंगुलर क्वार को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है जिसमें हमारे ए एक्स ए वाई एजेड क्या है ये बेसिकली कोऑर्डिनेट हमारे पॉइंट्स हैं क्लियर या कह सकते हैं कोऑर्डिनेट्स कंपोनेंट हैं जैसे ए एक्स मैग्नीट्यूड हो गया ए वाई मैग्नीट्यूड हो गया ए जेड मैग्नीट्यूड हो गया किस डायरेक्शन में एक्स वाई एंड जेड ठीक है ए एक्स ए वाई और ए जेड जो स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं ये हमारे क्या है ये यूनिट वेक्टर है इन दैट डायरेक्शन क्लियर तो एक वेक्टर हमारा ए हो गया ये लेट अस सपोज ये वेक्टर ए इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट इज दिस ऐसे ही सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो हमारा सेम वेक्टर ए किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के फॉर्म में उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट कौन से हैं रो फाइव एंड जेड तो ए रो इंटू रो कैप प्लस ए फाइव इंटू फाइव कैप प्लस ए जेड इंटू जेड कैप इज इट क्लियर यहाँ पे हमारे यूनिट वेक्टर कौन से होंगे रो फाइव एंड जेड ये बात समझ में आ रही सभी को हेलो यस सर ओके बहुत सिंपल है बस आप इसको समझते रहिए जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ठीक है अब मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास ऐसे आता है कि एक वेक्टर आपको कोई गिवन होगा जिसमें ए एक्स ए वाई ए जेड की वैल्यूज आपके पास होंगी जैसे थ्री ए एक्स कैप प्लस फोर एवाई का प्लस फाइव ए जेड का यह रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में एक आपको वेक्टर दिया होगा इसे उसको पूछेगा क्वेश्चन में कि इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करिए तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है इस वेक्टर को इस वेक्टर में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा मतलब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट वेक्टर में तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको एक रिलेशन पहले देखना पड़ेगा कि जो ए एक्स एवाई क्योंकि अगर अगर आपको इसमें कन्वर्ट करना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा रो निकालना पड़ेगा एफ आई निकालना पड़ेगा जेड निकालना पड़ेगा तभी तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर पाएंगे इस वेक्टर में ठीक है तो रो एरो एफ आई जेड निकालने के लिए आपको रो एरो जेड का रिलेशन निकालना पड़ेगा किसके साथ ए एक्स एवाई और एजेट के साथ आर यू गेटिंग माई पॉइंट हेलो आर यू गेटिंग माय पॉइंट यस सर ठीक है ना मतलब इसके जो वेक्टर कंपोनेंट है उसके साथ आपको इस इस वेक्टर कंपोनेंट का रिलेशन निकालना पड़ेगा ऐसे ही मान लीजिए इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है आपको सिलेंडिकल कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और आपसे पूछ ले इसको वेक्टर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में ब्रेक करिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में निकालने के लिए आपको क्या निकालिएफ आई एजेड आपको गिवन है आपको ए एक्स ए वाई एजेड निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ az क्लियर तब आप इस वेक्टर को लिख पाएंगे तो यही हमें करना है क्लियर ये इंपॉर्टेंट भी है ये पेपर में आता है ये एकदम हंड्रेड परसेंट जान लीजिए आएगा पेपर में ठीक है अब हम देखिए कैसे करेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन वन को आप देख रहे होंगे ठीक है इस इक्वेशन हम दोनों कंडीशन निकालेंगे इससे इसका भी निकालेंगे और इससे इसका भी निकालेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फिर एक मैट्रिक्स मैट्रिक्स फॉर्म ठीक है उस को आप याद रखेंगे आपको बहुत आसान हो जाएगा न्यूमेरिकल करना ठीक है तो हम क्या करने जा रहे हैं पहले हम इस सिंपल इक्वेशन नंबर वन को ले रहे हैं जिसको हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट वेक्टर बोला है इसके हम ए एक्स ए वाई और एजेट की वैल्यूज निकालते हैं तो अगर हम यहां से ए एक्स ए वाई एजेड की वैल्यू निकालना चाहें इस पूरे वेक्टर से मतलब इस ए वेक्टर से एक्स निकालना है इस ए वेक्टर से ए वाई निकालना, निकालना है तो कैसे निकालेंगे सिंपल है बिल्कुल कुछ नहीं करना है इस पूरे वेक्टर को अगर आपको ए एक्स निकालना है तो मैं पहले ए एक्स के लिए बोल रहा हूं इस कंप्लीट वेक्टर को दोनों साइड ए एक्स के यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए लेफ्ट और राइट दोनों साइड कहने का मतलब अगर आपको ए एक्स फाइंड करना था ये कंपोनेंट तो आपने क्या किया दोनों साइड ए एक्स का जो यूनिट वेक्टर है दैट इज एक्स कैप उससे दोनों साइड आपने डॉट प्रोडक्ट कर दिया तो लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा ए वेक्टर डॉट ए एक्स कैप मतलब यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू राइट साइड क्या हो जाएगा ये पूरा ब्रेकेट में आएगा और इसके बाहर ए एक्स जाएगा ए एक्स कैप हो जाएगा ठीक है डॉट प्रोडक्ट के साथ अब आप जानते हैं किसी भी दो नंबर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ए डॉट बी ए डॉट बी क्या होता है mod A, mod B, cos theta. ये सभी को पता है ठीक है तो मॉडे मॉड बी यूनिट वैक्टर का माइने टूड हमेशा वन होता है ये आपको पता है और कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन दैट टू यूनिट्स मई ए और बी का हम कर रहे हैं डॉट टूट तो उसके बीच का एंगल ठीक है तो हम अगर देखें तो एक्स अब हमारे पास जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा आपको मैं नीचे दिखाता हूं ये देखिए जैसे ए एक्स का हम निकालना है तो ए एक्स हमारा क्या मिलेगा यहां से ए एक्स डॉट ए एक्स कैप ये देखिए यहां पे हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है ब्रेकेट में देख सकते हैं ए वेक्टर डॉट ए एक्स वेक्टर इज इक्वल टू पूरा ये पूरा कंप्लीट आपका ब्रेकेट में आ गया और इसके बाहर डॉट ए एक्स कैप क्योंकि हम ए एक्स का निकालना है अब इस ए एक्स का इन सब के साथ मल्टी मल्टीप्लीकेशन होगा डॉट प्रोडक्ट होगा तो आप देख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट में हमने बताया है आपको कि जो सिमिलर होते हैं जैसे ए एक्स एक्स डॉट ए एक्स तो मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया जीरो हो गया क्योंकि तो पैरल हो जाएंगे ना दोनों दो वेक्टर अगर सिमिलर उनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो थीटा की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी लेकिन अगर वो डिफरेंट डिफरेंट हो गए जैसे ए एक्स को ए वाई से कर दिया या एक्स को ए जेड से कर दिया तो वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनका उसमें थीटा की वैल्यू कितनी होगी नाइन्टी कि डिग्री होगी मेरी बात समझ में आ रही है तो cos नाइन्टी होगा तो कहने का मतलब क्या है केवल ये वाला हमारा एग्जिस्ट करेगा क्योंकि यहाँ ए एक्स है यहाँ भी ए एक्स है इन दोनों में एंगल जीरो डिग्री है तो इसका यू, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारा कॉस जीरो मीस वन दे देगा और केवल ए एक्स बचेगा ठीक है बाकी इससे करेंगे तो ए वाई इंटू ए एक्स करेंगे तो आपका नाइन्टी डिग्री एंगल बनेगा जीरो जीरोगा जेड का ए एक्स से करेंगे अगेन दिस इज हैविंग नाइनटी डिग्री एंगल तो यहाँ भी कॉस्ट नाइन जीरो कंपोनेंट आपके जीरो हो जाएंगे डॉट प्रोडक्ट केवल ये कंपोनेंट बचेगा जिसमें हमारा ए एक्स केवल बचेगा क्योंकि ए एक्स डॉट माइन जो यूनिट वेक्टर इनका तो मैग्नीट्यूड वन हो जाएगा वन डॉट वन कॉस जीरो होगा ठीक है कॉस जीरो इज वन तो हमें ए एक्स मिल जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास

तो एरो हमारा आ गया है ए बार डॉट रो बार रो कैप अब ए बार की जगह पे हम क्या रख देंगे जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट का वेक्टर था तो ए बार की जगह हम क्या रख दिया है? AX, AX कैप प्लस ए वाई ए वाई कैप प्लस ए जेड ए जेड कैप डॉट बाहर आ जाएगा रो कैप तो अब देखिए आपको एरो मिल गया इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताइए हेलो, आवाज आ रही है सभी को हेलो हेलो यस सर, ये समझ में आ रहा है जो बता रहा हूं मैं? यस सर यस सर, इसको ध्यान से समझिएगा नहीं तो फिर आगे इस में दिक्कत आएगी ठीक है ये समझ में आ जाएगा तो वो भी समझ में आ जाएगा अब आप देख सकते हैं अब जैसे हमें आ, एरो की मैं बात कर रहा था ठीक है तो आ, अब आप इसमें देखेंगे कि जैसे हमको एरो निकालना है तो एरो को अब हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे इधर राइट साइड में दोनों तरफ तो मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा आपको बताइए दोनों तो साइड अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा डॉट प्रोडक्ट करेंगे ये देखिए आप ये देखिए एरो का डॉट प्रोडक्ट तीनों कंपोनेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया तो देखिए आ गया इज इक्वल टू ए एक्स ए एक्स कैप डॉट रो कैप ठीक है अब हमें क्या निकालना है हमें ये ये वाले कंपोनेट को निकालना एक्स का रो के साथ जो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है ए वाई का रो के साथ जो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है और ए जेड का रो के साथ जो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, हो है। इसको हम लोग फाइंड करेंगे क्लियर ये कैसे निकालेंगे आपको सिंपली पता है कि रेक्टेंगुलर में और सिलेंड्रिकल में दोनों में जेड वाला कंपोनेंट कॉमन है जेड कंपोनेंट दोनों में है लेकिन रो और चेन, अलग अलग है ठीक है तो सिंपली आप देखेंगे अगर मैं आपको डायग्राम भी दिखाता हूं तो देखिए आप अगर हम बात करें एजेड रो कैप की तो एजेड और रो कैप आपस में क्या है परपेंडिकुलर है या फिर पैरल है बताइए डायग्राम को देखिए एजेड आपका ये है यहां से देखिए एजेड आपका ये है और रो कहां है बेटा वेर इज रो बताइए दिस इज योर ये रो है ना जो प्रोजेक्शन है दिस इज योर रो क्लियर तो कहने का मतलब क्या है ये आपका देखिए यहाँ पे रो दिखा रहा है तो ये हमारा परपेंडिकुलर है जेड एक्सिस और रो हमारा एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो कहने का मतलब क्या है अगर आपको यहां से नहीं समझ में आ रहा तो ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं नीचे क्लियर ठीक है तो एजेड जो है वो रो के साथ हमारा परपेंडिकुलर ठीक है थीके? तो कहेंगे तो यहाँगा जीरो, जीरो केवल के क्या बचेगा ये दोनों कंपोनेंट बचेंगे ये वाले ठीक है एग्जैक्टली हमारा जो ए रो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा ए एक्स ए एक्स कैप डॉट रो कैप प्लस एवा एवा कैप डॉट रो कैप ठीक है हमने इक्वेशन नंबर कर दिया सिमिलरली आप A5 जब निकालेंगे A5 कैसे निकालेंगे ये देख सकते हैं हम ए फाइव अगर निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा दोनों साइड वेक्टर से फाइव यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा ठीक है तो हमारा फाइव से करेंगे तो देखिए क्या बनेगा फाइव से करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा ए फाइव ए फाइव इक्वल टू बनेगा वेक्टर ए डॉट फाइव वैक्टर फाइव कैप वेक्टर हमने इन टर्म्स ऑफ़ कोऑर्डिनेट रख दिया कोऑर्डिनेट में हमने बाहर डॉट प्रोडक्ट किया किसके साथ फाइव कैप के साथ अब इस फाइव को अंदर मल्टी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो आप देखेंगे तीनों के साथ कैप यूनिट वेक्टर जो है डॉट प्रोडक्ट होगा अब इसमें आप देख सकते हैं ए के साथ जो फाइव है वो परपेंडिकुलर है एजेड और फाइव आपस में क्या है परपेंडिकुलर आप देख सकते हैं डायग्राम में ये देखिए ये आपका एजेड है दिस इज योर एजेड क्लियर ये यह आपको यहां से अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहां भी देख सकते हैं आप ये सबको दिख रहा है ये सभी को दिख रहा है सर yes, ठीक है तो आप यहां से भी समझ सकते हैं जो हमारा एजेड कंपोनेंट है उसके साथ जो फाइव वेक्टर है फाइव फाइव क्या दैट इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर क्लियर तो एजेड और फाइव हमारे जो है आपस में परपेंडिकुलर है इट मीन दे आर मेकिंग नाइनटी डिग्री एंगल क्लियर ईच अदर क्योंकि ये थ्री डी डायग्राम है तो आपको टू डी से इतना नहीं क्लियर हो रहा होगा लेकिन ये आपस में परपेंडिकुलर है ठीक है तो एजेड और फाइव आपस में चूंकि परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो नाइन्टी डिग्री हो जाएगा एजेड डॉट फाइव करेंगे तो हमारा जो है रिजल्ट क्या मिलेगा जीरो मिलेगा तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एजेड डॉट फाइव किया हमने इनका डॉट प्रोडक्ट तो यहां कॉस्ट नाइन मिलेगा और इसकी वैल्यू जीरो, जीरो आने की वजह से हमने ये वाला कंपोनेंट हमारा जीरो हो जाएगा केवल ए एक्स और ए वाई कंपोनेंट एग्जिस्ट करेंगे अलोंग विथ फाइव कंपोनेंट क्लियर ठीक है ए एक्स और ए वाई हमारे क्यों नहीं परपेंडिकुलर है क्योंकि तो आप देख सकते हैं ए एक्स ये कंपोनेंट है और ए वाई ये है। एक्स और AY दोनों ही के साथ है और भी फाइव के साथ साइन एंगल बना रहा है ठीक है ये दोनों कंपोनेंट हमारे जीरो नहीं है केवल हमारा एजेड कंपोनेंट है जो फाइव के साथ नाइन्टी डिग्री एंगल पे है समझ में आ रहा है ये ठीक है किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम हेलो बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक no, नहीं sir. आगे बढ़े ओके no, okay. तो अब हम लोग देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे इसमें वो क्या देखेंगे पहला हमारा रो हो गया फिर फाइव हो गया अब जेड कम्पोनेंट देखेंगे तो जेड कंपोनेंट हमारा उसी डायरेक्शन में है तो जेड में तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है तो ये देख सकते हैं आप तो ए जेड इज इक्वल टू ए बार डॉट जेड बार जेड कैप हो जाएगा ए बार अगेन सॉरी एक ए वेक्टर अगेन आपका जो है ये आपका अगेन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वेक्टर हो जाएगा जिसकी हम वैल्यू रख ए एक्स कैप प्लस ए वाई वाई कैप प्लस ए जेड ए जेड कैप डॉट जेड कैप अब ये तो बहुत सिंपल है आपको दिख रहा है जेड कैप जो है वो वाई और एक्स के साथ नाइन्टी डिग्री पे होगा क्योंकि x x y z आपस में 90 90 डिग्री पे हैं ठीक है तो ए कंपोनेंट को अगर z वेक्टर से z यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस की बात है 90 डिग्री एंगल बनेगा तो जीरो आ जाएगा ए वाई को करेंगे z से तो अगेन 90 डिग्री बनेगा तो ये भी जीरो देगा केवल z का ए जेड के साथ हमारा वन मिलेगा क्योंकि दोनों पैरल है इनके बीच का एंगल जीरो डिग्री होगा तो आपका केवल ए जेड क्लियर आवाज़ भी आ रही है नो सर क्लियर नहीं अभी आवाज आ रही सभी को क्लियर हेलो अभी मेरी आवाज आ रही सभी को क्लियर यस रही है हेलो एम आई ऑडिबल ना ओके अब आप देखिए इसमें अब नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे हैं इसमें अब हमारे पास एरो एफ आई और एजेड आ गया ठीक है लेकिन अभी भी हमारे पास एक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम क्या है कि जो एरो है जो आपका एरो मिला है ये देख सकते हैं आप इसमें अभी भी हमारे पास ए ये वाले यूनिट वेक्टर्स हैं जिनका हमें हमारे पास वैल्यूज अभी नहीं हमारे पास है मीन ए एक्स का कैप से जो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है ए वाई का रो कैप से डॉट प्रोडक्ट हो रहा है इसकी भी तो हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी ठीक है इन टर्म्स ऑफ थीटा और कॉस्ट थीटा कॉस्ट फाइव या साइन फाइव जो भी है ठीक है ये भी हमको निकालना पड़ेगा ये वाले जो यूनिट वेक्टर्स वैक्टर्स ठीक है थीके? अभी हम इसको भी बताएंगे इसकी वैल्यूज क्या होंगे ऐसे ही ए फाइव जैसे हमारे पास आया तो ए फाइव भी आप देख सकते हैं ए एक्स डॉट फाइव कैप आ रहा है इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी ए वाई डॉट फाइव की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ठीक है एजेड में आपको कुछ नहीं निकालना है क्योंकि एजेड में कोई भी डॉट प्रोडक्ट हमारे पास नहीं तो एजेड हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा ठीक है अब हम देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे ये देखिए जैसे हम अगर हम ए रो की बात कर रहे हैं तो ए एक्स डॉट रो और ए वाई डॉट रो ये कैसे निकालेंगे इसके लिए डायग्राम नीचे बना हुआ है आप देख सकते हैं सिमिलर ए एक्स डॉट रो निकाल है ठीक है ए एक्स डॉट रो कैसे निकालेंगे ये देखिए ये आपका ए एक्स है ठीक है और रो कहाँ है ये है एक्स और रो को आपस में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा ए डॉट बी एक्स डॉट रो इज इक्वल टू ए एक्स का मैग्नीट्यूड इंटू रो का मैग्नीट्यूड और दोनों यूनिट वेक्टर है तो दोनों के मैग्नीट्यूड वन वन हो जाएंगे तो वन क्रॉस वन इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है AX और रो के बीच में एंगल एंगल बन रहा है हेलो जिसको हमने भी बताया था आपको लास्ट टाइम ठीक है तो ए एक्स डॉट रो हमारा क्या आ जाएगा वन क्रॉस वन कॉस फाइव सिंपली कॉस फाइव हो गया ठीक है ऐसे ही ए एक्स डॉट फाइव एक्स का फाइव के साथ अगर देखेंगे तो ये आपका ए एक्स कंपोनेंट है और फाइव कहां पे है? ये रहा आपका फाइव कंपोनेंट तो एक्स का फाइव के साथ कितना बनेगा कौन बताएगा ठीक है ये आपका ए एक्स कंपोनेंट है दिस इज योर ए एक्स एंड दिस इज योर फाइव कैसे एंगल निकालेंगे देखिए ये फाइव हो गया ठीक है ये आपका क्या है नाइनटी माइनस फाइव इज इट क्लियर सिंपली आप देखना चाहते हैं ये पूरा देखिए नाइनटी है ये फाइव है तो कितना बन जाएगा यहाँ से एंगल नाइनटी प्लस फाइव बन जाएगा बोलिए समझ में आ रहा है ये यहां तक कितना बनेगा एंगल? 90 तो वन क्रॉस वन कॉस नाइनटी प्लस फाइव नाइनटी प्लस क्या होता है माइनस साइन थीटा तो माइनस साइन फाइव आ जाएगा ठीक है इज इट क्लियर अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवाई के लिए एवाई डॉट रो कैप एवाई डॉट रो कैप क्या होगा बताइए डॉट रो कैप क्या होगा एवाई कहा है एवाई ये रहा आपका ये देखिए वाई के डायरेक्शन में एवाई कंपोनेंट ए वाई डॉट रो कैप रो आपका कहां है ये है एवाई और रो के बीच में कितना एंगल बन रहा है नाइनटी माइनस फाइव इज इट क्लियर ये नाइनटी माइनस फाइव है दिख रहा है सभी को? ओके, तो ए वाई डॉट रो करेंगे तो वन क्रॉस वन कॉस नाइनटी माइनस फाइव कॉस नाइनटी माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा ठीक है तो हमारा आ गया माइनस साइन फाइव ठीक है अब इसके बाद आ जाएंगे एवाई डॉट फाइव एवाई डॉट फाइव कहां है ए वाई आपका अगेन यही वाई कंपोनेंट है फाइव कहाँ है ये है वाई और फाइव के बीच में कितने एंगल बन रहा है ए वाई और फाइव के बीच में कितना एंगल बन रहा है ये कैसे निकालेंगे ये देखिए ए वाई और फाइव के बीच में अगर आपको एंगल निकालना है तो ये पूरा नाइन्टी डिग्री है यहां तक और ये आपका नाइन्टी माइनस फाइव है तो ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा ये वाला एंगल इस पूरे में से पूरा कौन सा ये नाइन्टी डिग्री पूरे नाइन्टी में से यहाँ तक इस 90 फाइव को माइनस कर दीजिए तो ये एंगल आ जाएगा तो 90 माइनस नाइनटी माइनस फाइव कितना बचेगा फाइव बचेगा गुड बचेगा। तो ये एंगल इसका मतलब हमारा फाइव है जिस एंगल इस एंगल इज फाइव ठीक है ये एंगल फाइव हो गया हमारा ठीक है तो हो गया वन क्रॉस वन क्रॉस फाइव तो ये हमारा क्रॉस फाइव आ जाएगा अब देखिए सारे कंपोनेंट हमने निकाल लिए कोई कुछ पूछ रहा है सर जो एंगल है ए कैप वाई वाला ए कैप वाई डॉट रो थर्ड थर्ड है जो सर कौन सा बेटा थर्ड इक्वेशन सर ए कैप इनटू रो ए कैप वाई इनटू रो एक मिनट एक, 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 एक मिनट थर्ड इक्वेशन मतलब ये वाला ये ए ए कैप ए वाई हाँ बताइए सर इसमें कॉस नाइनटी माइनस फाइव तो सर साइन ही होना चाहिए ना वो माइनस साइन नहीं होना चाहिए ना साइन हाँ ये शायद प्लस ये प्लस होगा हाँ ये गलती से लिखा हुआ माइनस साइन दिस विल बी प्लस क्लियर थीटा साइन थीटा होगा ठीक है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है ठीक है हेलो यस सर दिस विल बी प्लस ओके ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसमें सारे पॉजिटिव होते हैं और ठीक है यस सर yes, ठीक है ये प्लस होगा ये गलती से लिख गया इसमें कोई दिक्कत नहीं है ध्यान नहीं दिया होगा एक मिनट तो ठीक है इसको प्लस कर दे रहा हूं मैं, इस विल बी प्लस ठीक है ना यही कह रहे हो आप सर ठीक है अब इसके बाद इसको मैंने आगे बल्कि सही किया होगा यहाँ पे शायद ये दिख रहा है लेकिन यहाँ आगे हमने इसको सही किया होगा तो गड़बड़ गर, हो गया हो कोई बात नहीं इसको मैं सही कर दूंगा अब इसके बाद हम लोग आते हैं ये सारी वैल्यूज को हमने यहाँ पुट कर दिया है ठीक है जितनी भी वैल्यूज हैं इसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे ठीक है ये देखिए अब इसको हम लोग पुट करेंगे कहाँ पे यहाँ पे ये जितने भी आपके आपके कंपोनेंट थे जो एरो है है और एजेड है एजेड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एरो और में हम लोग पुट कर देंगे तो एरो में आपके कौन कौन से कंपोनेंट आ रहे थे एक्स एक्स डॉट 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 रो 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 कैप 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 और तो so की वैल्यू कितनी आई है कॉस फाइव और एवाई डॉट रो कैप की वैल्यू कितनी आई है सा, प्लस साइन फाइव ठीक है जिसको हम लोग प्लस साइन फाइव बोले देखिए यहाँ सही लिखा हुआ है यहाँ प्लस लिखा हुआ है इज इट क्लियर यस सर आ, तो गलती से बेटा वो माइनस हो गया है प्लस ही होगा हाँ तो ये हमारा देखिए यहाँ प्लस आ रहा है ठीक है तो ये हमने ए एक्स डॉट कॉस फाइव वही वैल्यूज हमने रखी है ये वाली ठीक है ए एक्स डॉट रो की वैल्यू कॉस फाइव थी तो ए एक्स कॉस फाइव आ गया और एक मिनट दिख रहा है बेटा सभी को ये और ए वाई डॉट रो की वैल्यू प्लस साइन फाइव है तो ये हमारा आ गया प्लस साइन फाइव ठीक है वाई साइन फाइव ऐसे ही ए फाइव निकालेंगे ए फाइव निकालने के लिए देख सकते हैं आप ए फाइव में कौन कौन से कंपोनेंट रखने होंगे आपको ए एक्स डॉट फाइव और ए एक्स डॉट फाइव की वैल्यू देख सकते हैं ए एक्स डॉट फाइव हमारा माइनस साइन फाइव है और ए वाई डॉट फाइव प्लस साइन फाइव है तो स्टार्टिंग में माइनस आएगा और बाद में प्लस हो जाएगा देखिए माइनस ए एक्स साइन फाइव प्लस कॉस फाइव ठीक है ये समझ में आ गया सभी को और ए आज़, mm. जेड ए जेड ही रहेगा तो अगर हम इन तीनों को ए रो और और ए जेड को अगर हम इसके वेक्टर कंपोनेंट में रख देंगे वेक्टर कंपोनेंट हमारा कौन सा था इक्वेशन नंबर टू ये वाला ठीक है ये इक्वेशन नंबर टू हमारा पूरा कंप्लीट वेक्टर है इस वेक्टर कंपोनेंट में रखेंगे तो ए वेक्टर हमारा कितना आ जाएगा एरो की वैल्यू रख देंगे एफ आई की वैल्यू रख देंगे ए जेड की वैल्यू रख देंगे तो हमें कंप्लीट वेक्टर मिल जाएगा किसमें सिलेंडिकल कोऑर्डिनेट में ठीक है तो आप देख सकते हैं ये हमारे फॉर्म में ये देखिए ठीक है तो कहने का मतलब क्या है यहां से आपको एक रिलेशन मिला क्या रिलेशन मिला इन टर्म्स एक्स वाई देख सकते हैं ए एक्स ए वाई कंपोनेंट के फॉर्म में ठीक तो यह है ए फाई इन टर्म्स ऑफ दिस कंपोनेंट और ए जेड इन टर्म्स ऑफ दिस कंपोनेंट ठीक है ये हमें यही इंपॉर्टेंट चीज है

अब हम इसका उल्टा ट्रांसफॉर्म करेंगे उल्टा ट्रांसफॉर्म क्या होगा अब हमारे पास अब हम इसका उल्टा करेंगे उल्टा का मतलब क्या है कि अब हमें हमें कार्टेशियन वाले पॉइंट्स निकाल रहे हैं और रो जेड के फॉर्म में जैसे अभी हम लोगों ने क्या निकाला है कि हम लोगों ने रो जेड निकाला इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अब हम निकालेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ रो जेड ठीक है मीन ए एक्स ए वाई ए जेड इन टर्म्स ऑफ A row, और एरोट जस्ट अपोजिट ऑफ दलियर ये बहुत सिंपल है इसमें कुछ नहीं करना आपको ये देख सकते हैं आप इसी का जस्ट उल्टा है तो ये कैसे निकालेंगे ये भी हम लोगों ने निकाला था यहाँ पे देखिए ये ए एक्स ए वाई और एजेट जो कंपोनेंट है वो हम ले लेंगे ए एक्स कंपोनेंट हमारा क्या है देख सकते हैं आप ए एक्स हमारा क्या था ए बार डॉट ए एक्स कैप ए वाई क्या था ए वाई डॉट ए वो सॉरी a कैप a वेक्टर डॉट ए वाई कैप और ए जेड क्या था a वेक्टर डॉट ए जेड कैप इन्हीं को ले लेंगे अब हम ए एक्स ए वाई ए जेड वाले कंपोनेंट्स में जो एक a वेक्टर है इसकी जगह पे क्या रखेंगे इस a वेक्टर की जगह पे हम हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट का वेक्टर रखेंगे जैसे वो सॉरी सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट का वेक्टर रखेंगे ठीक है पहले हम लोगों ने क्या किया था एरो ए फाइ एजेड में हम लोगों ने जो ए वेक्टर रखा था वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का रखा था ठीक है अब हम लोग क्या कर रहे हैं ए एक्स ए वाई एजेड वाले वेक्टर में जो ए वेक्टर रखेंगे वो कौन सा रखेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का देख सकते हैं आप लोग यहां नीचे देखेंगे तो ये देखिए, ए एक्स की वैल्यू क्या आ गई है ए वेक्टर डॉट ए एक्स कैप ए वेक्टर की वैल्यू हमने क्या रख दिया रो जेड के फॉर्म में तो ए रो डॉट रो कैप प्लस ए फाइव डॉट फाइव कैप प्लस ए जेट डॉट डौ, जेड जेट कैप इज इट क्लियर इसको एक्स कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे इस समझ में आ रहा है बेटा सभी को ठीक yes, है वही सेम चीजें मैं कर रहा हूं कोई नई चीज नहीं कर रहा हूं ठीक है ओके okay. मैं आप लोग की एक मिनट अटेंडेंस भी ले, ले लेता हूँ और अभी आप लोग दोबारा ज्वाइन करिएगा ठीक है Attendance अभी ने मार्क कर दिया है बॉक्स में Hello? Attendance अभी ने मार कर दिया है। yes, sir. कुछ student है, कुछ कुछ ऐसे हैं जिनका सिद्धांत श्रीवास्तव विशाल चौधरी विशाल राय विशाल सिंह एज पर गाइडेंस गिवन बाय द एचओडी इनके मैंने अभी नाम लिए हैं दे हैव सम इश्यूज क्लियर वो सर कॉलेज ओपन होगा सर अभी हैं क्या हो गया कॉलेज सर कॉलेज ओपन होगा कॉलेज यस सर मतलब सर नहीं? ऐसे जो अगर फिक, अगर फैकल्टी प्रेजेंट हो सर कौन पूछ रहा है बेटा हमसे ये चीज सर विशाल चौधरी आपका केस है क्या आपका भी केस आपका सर। भी नाम है आपका विशाल राय विशाल सिंह सिद्धांत श्रीवास्तव बेटा जितने बच्चे हैं इन लोग को फिलहाल अटेंडेंस के लिए भी मना किया गया है मैं पहले बता दे रहा हूँ अब वो केस है आप... आप... तो मिलेगा मतलब अटेंडेंस मतलब तो क्या करना पड़ेगा जैसे कॉलेज तो बंद है सर वो आप एचओडी मैम से बात करिए विवाह मैम से बात करिए वो बताएंगे ठीक है फिलहाल उन्होंने हमें वहां से इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ठीक है सर मतलब फैकल्टी आ रही है कॉलेज आपको तो आपको क्लास के लिए भी अलाउ नहीं किया गया है स्टिल यू आर टेकिंग द क्लासेस अब वो जो तो भी केस है आप अब जो आपका केस है वो देख लीजिए ठीक है अब ये मतलब मेरे तरफ से कोई ऐसा वो नहीं था लेकिन ऊपर से आदेश है ठीक yeah. है ये नीचे ध्यान रखिए अब देखिए ये अभी आपका टाइम ओवर हो रहा है तो आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा तो हम इसको कंप्लीट कराते हैं ठीक है तो कि अभी एक मिनट से कम टाइम बचा है तो आई थिंक अब ये मीटिंग ओवर हो जाएगी उस और